अक्सर हमने देखा है और कांग्रेस अपने बयानों में इस बात को जाहिर भी करती रही है कि हम दबे कुचलों की राजनीति करते हैं, हम उनके भले के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या ये दबे कुचलों की राजनीति करने का दिखावा एक ढोंग है? इस सवाल ने हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस इन दिनों जो यात्रा कर रही है उसमें कई जगहों पर इस तरह के वाकयात सामने आए। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। क्या कांग्रेस करती है दलित प्रेम का पाखंड? क्या बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं करते? दलित प्रेम के पैतरे चलने वाली कांग्रेस की दलित चिंता चारों खाने चित नजर आई जब एक दलित नेता को सरेआम मंच से नीचे फेंक दिया गया। ये सब कुछ कर्णधारों की मौजूदगी में होता रहा लेकिन सब धृतराष्ट्र बने हुए थे। मैडम मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हूँ। सामने बैठे थे पीएल पुनिया, सामने थे सलमान खुर्शी, नेता बड़े थे तो कार्यकर्ताओं ने स्वागत की बड़ी तैयारी भी कर रखी थी। तभी बड़े अरमानों से भीड़ को चीरते हुए मंच की सीढ़ियां चढ़ने लगे राकेश सागर। ये वही राकेश सागर हैं जो पार्टी के प्रदेश अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कहे जाते हैं। नेताओं की अंधभक्ति में भाव विभोर राकेश के हाथों में तिरंगा टोपी था, लेकिन जैसे ही राकेश ने मंच की सीढ़ियां लांघने की कोशिश की तो पुनिया के सुरक्षा कर्मियों ने राकेश को ठिकाने लगा दिया। ऐसा जोर का धक्का लगा कि राकेश सीधे नीचे पहुंच गए। देखकर भी लगा कि कांग्रेसियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अति उत्साह को कुचलने में जरा भी देर नहीं लगाई। राकेश के साथ हुए सलूक के बाद भी खामोश रहकर मंच पर महारथियों ने इसे मौन सहमति दे दी। ये कोई नया वाक्या नहीं था। वैसे कार्यकर्ताओं के अति उत्साह की आह तब भी निकली जब राहुल गांधी के रोड शो के दौरान कांग्रेस नेता अमजद सलीम के साथ धक्का मुक्की की गई। सलीम राहुल गांधी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कीमत नहीं समझ आ रही कांग्रेस को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की? पहले राहुल गांधी की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की, फिर खुर्शीद और पुनिया जैसे नेताओं की मौजूदगी में महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष का अपमान। चुनावों के दरमियान ये अपमान कहीं परिणामों पर भारी न पड़ जाए। समाचार प्लस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस तरह की स्थिति है। अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, हम ये समझना चाहेंगे कि जब से कांग्रेस की जद्दोजहद यूपी फतेह की शुरू हुई है
उसके बाद यात्रा भी शुरू कर दी, लेकिन यात्रा अच्छी वजहों से चर्चा में आने के बजाय इस तरह की वजहों से ज्यादा चर्चा में है। कैसे संभालेगी कांग्रेस, कैसे फतह करेगी यूपी को? जी, इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है कि कांग्रेस में राहुल गांधी अक्सर तभी नजर आते हैं जब चुनाव आने वाले होते हैं। उनके रोड शोज, उनकी रैलियां और जो खाट पंचायत जैसी चीजें देखने को मिलती हैं वो तभी। प्रशांत किशोर आए हैं नए आइडियों के साथ बिहार में और फिर अब यहाँ पे, और कई सारी नई तरह के रैंप शो की तरह एक उन्होंने कार्यक्रम लखनऊ में भी किया, उसमें भी कुछ ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली। और यही सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि कांग्रेस जिस बात को लेकर हमेशा चर्चा में रही है वो अंतरकला है। कांग्रेस में अंदरूनी सहमति कभी नहीं बन पाई, चाहे वो क्षेत्रीय नेता हो, प्रांतीय नेता हो, ब्लॉक स्तर के हो या प्रदेश स्तर के हो, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चलते हमेशा कांग्रेस को नुकसान होता नजर आया है। और यही वजह है कि जब राहुल गांधी उनके सबसे बड़े नेता इलाकों में पहुंचते हैं तो लोगों की सबसे बड़ी जद्दोजहद इसी बात की होती है कि वो उनको मिलकर बताएं, वो उनको मिलकर अपनी परेशानियां बताएं, संगठन में उनके साथ। लेकिन ये एक दिन में अभिषेक संभव नहीं है ना, एक दिन में या फिर चंद घंटों में संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि रेगुलर इस तरह का संवाद जनता से होता रहे। बेहद शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरी बातचीत के लिए।